आज का जो मेरा मुद्दा वो वीडियो बनाने का ये है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त पूरा मुल्क COVID-19 पेंडेमिक की महामारी से जूझ रहा है और आए दिन हर दिन UGC की एक नई गाइडलाइन आती है। कभी वो कहते हैं कि हम एग्ज़ाम करवाएंगे, कभी वो कहते हैं हम मास प्रमोशन देंगे। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर हालात क्या ठीक लग रहे हैं आपको? क्या आपको ये लग रहा है कि आपने हाल ही में जो गाइडलाइन जारी की है सितंबर में, क्या आप एग्ज़ाम करवा लेंगे? बहुत मुश्किल है वो, इसलिए क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे नहीं। हर दिन केस 25 से 30 हज़ार हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है और एक स्टूडेंट कम्युनिटी को आपने प्रेशर के शिकार में रखा हुआ है, अनरेस्ट आपने फैला के रख दी है। उन्हें खौफ है कि हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द मास प्रमोशन दें, सारे स्टूडेंट को मास प्रमोट करें, जो उनका पिछला सेमेस्टर है उसके बेस पर, जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बेस पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जम्मू कश्मीर की सरकार से, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जनाब VC जम्मू साहब से, VC कश्मीर है उनसे, कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को मास प्रमोट किया जाए। क्योंकि जैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर की UT ग्रुप ने आर्डर निकाला 12 मार्च को कि सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जो वो बंद बंद कर दिए जाएंगे 31 मार्च तक, उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे उनका जो भी स्टडी मटेरियल था वो हॉस्टल के अंदर रह गया। उन्होंने सोचा कि 15-20 दिन की छुट्टी है, हम वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई। हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे तलत परहेज रोला, उन्होंने आर्डर दिया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएँ। टीचरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आपको पता है पिछले 11 महीनों से जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट बंद है। 2G पर कैसे जो है वो क्लासें हो सकती हैं ऑनलाइन? टीचरों ने बहुत कोशिश की, जैसे कि आप सबको पता है कि वो PDF जो फाइल हैं वो डाउनलोड होने में कितना टाइम लगता है, वो कैसे बच्चे उसको डाउनलोड करके राइट डाउन कर पाएंगे बुक पर? कोई सोर्स नहीं है ऑनलाइन क्लास का। सिलेबस भी जो है वो 20% ही कम्प्लीट हुआ था, और ऐसे में यूनिवर्सिटी चाहती है, UGC और हमारे HRC मिनिस्ट्री साहब ये कहते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो फाइनल स्टूडेंट के कंडक्ट करवाए जाएंगे सितंबर तक। ये इम्पॉसिबल है कि हर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर खुदा नखास्ता किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ हो जाए, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? क्या आप किसी एक भी स्टूडेंट्स की जिम्मेवारी लेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, जम्मू कश्मीर की सरकार से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फार फ्लंग एरिया हैं, राजौरी, पुंछ, पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, यहाँ पर बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सकें, यहाँ नेटवर्क तक नहीं है। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करवाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, ताकि वो आगे अपना जो है निज़ाम जारी रख सकें।